नमस्कार दोस्तों, इस वक्त कांग्रेस पार्टी कार्यालय में मैं मौजूद हूं और नवागत जिला अध्यक्ष उमा शंकर पाठक का जोरदार तरीके से स्वागत हो रहा है। आज कई साल बाद देखा गया कि कांग्रेसियों का जमघट कांग्रेस भवन पर दिखाई दिया। जगह काफ़ी बड़ी है क्योंकि कार्यालय के मुख्य द्वार पर न होके पीछे के साइड में कार्यक्रम हो रहा है। जब आप गढ़वार की तरफ जाएंगे तो जहाँ स्टैंड टैक्सी स्टैंड की जगह जहाँ होती थी वहाँ पर कांग्रेस का इतना बड़ा हुजूम उमा शंकर पाठक के स्वागत वेलकम के लिए जुटा हुआ है। वहीं उमा शंकर पाठक के साथ कई पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष भी दिखाई दिए मंच पर, ओम प्रकाश पांडे, राघवेंद्र सिंह, यतेंद्र बहादुर सिंह सहित कई लोग आज कांग्रेस के संबंध पर उमा शंकर पाठक के स्वागत में वेलकम में दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव का वक्त है और कांग्रेस इस समय मैदान में नहीं है क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। लेकिन कांग्रेस के लोग पूरी ऊर्जा और ताकत के साथ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का इंतजार कर रहे हैं। वही उमा शंकर पाठक अध्यक्ष बनकर कांग्रेस भवन आए हुए हैं, वो पहला आगमन है, उनका स्वागत है, वेलकम है। आज पूरा कांग्रेस यहाँ जुटा हुआ है। संगीतमय वातावरण के साथ कांग्रेसी नेता अपने अध्यक्ष उमा शंकर पाठक का वेलकम और स्वागत कर रहे हैं। दोस्तों, बार बार ये मुद्दा उठता रहा है कि कांग्रेस का कौन अध्यक्ष है, क्या होगा, कैसे होगा, कांग्रेस किस तरीके से मैदान में लड़ेगी, लेकिन उमा शंकर पाठक का नाम आने से कांग्रेसियों के नौजवानों में जो कांग्रेसी नौजवान है उनमें ऊर्जा उभर के आई है। आज नौजवान भी देखे जा रहे हैं उमा शंकर पाठक के वेलकम में, स्वागत में, और जोरदार तरीके से आज नौजवान उमा शंकर पाठक को आगे बढ़ा रहा है। उमा शंकर पाठक का दावा है कि कांग्रेस फिर से एक बार बलिया लोकसभा ही नहीं पूरे जनपद में एक बेहतर प्रदर्शन करेगी और जिन जिन लोकसभा सीटों से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार लड़ रहे हैं उन जगहों पे कांग्रेस के लोग जाकर उन्हें जिताएंगे। खैर, ये बहुत वक्त की बात होगी, फिर हम आपसे जुड़ेंगे। तब तक इतना ही, जुड़ रहे हैं बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।